हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं बीटेक एंड बीएससी के ऊपर और बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स इस टाइप की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और वाकई में जो स्टूडेंट बीएससी कर रहा है और बीटेक कर रहा है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज़ के माध्यम से जो कि संडे मोटिवेशन की है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यार आप आईटी पे जाके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसमें आज बात करने वाला हूं कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या बीसीए करना चाह रहे हैं तो दोनों में से बेस्ट क्या है। खास करके जब बच्चा ट्वेल्थ में होता है तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार बीटेक करना चाहिए या फिर बीसीए करना चाहिए। तो यार दोनों के बीच में मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा और विच ऑफ फॉलोइंग इज बेटर फॉर यू, राइट। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा है और बीसीए दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, अल्टीमेटली वहां पे भी आप कंप्यूटर की पढ़ाई ही करते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे जो बीटेक की डिग्री होती है वहां पे आप क्या एक्स्ट्रा करते हैं और क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है और बीसीए करने के बाद आपके लिए क्या यहाँ पे करियर ऑप्शंस होते हैं और क्या आप पढ़ते हैं, यार ये मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। फिर बाद में आप डिसाइड करिएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने एक टेबल बनाई है उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सुन बात करते हैं सबसे पहले बीटेक के बारे में। तो यार हम जानते हैं बीटेक की जो डिग्री होती है वो प्रोफेशनल डिग्री होती है, मतलब इंजीनियरिंग, यहाँ पे कहीं कहीं बी भी बोला जाता है इसको, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। इसमें यहाँ पे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होता है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस बीटेक को बीसीए के साथ कंपेयर करेंगे, भाई दूसरी ब्रांच के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि सर मुझे बीटेक मैकेनिकल करना चाहिए या बीसीए करना चाहिए तो ये कंपैरिजन गलत है क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीजें, यू कैन नॉट कंपेयर दिस टू, है ना। क्योंकि अगर हम बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीसीए, देन ये दोनों कंपेरेबल है क्योंकि दोनों ही कंप्यूटर साइंस डोमेन की बात करते हैं, राइट। तो पहली बात तो मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं और बीसीए करना चाहते हैं तो दोनों में से क्या करना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी ये है कि सर बीटेक मैकेनिकल और बीसीए में कौन सा बेस्ट है तो मैं आपको कहूंगा बीटेक मैकेनिकल बेस्ट है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कुछ भी मैकेनिकल का आप बीसीए में पढ़ने वाले नहीं है, राइट। ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसमें यहां पे जो बीटेक की डिग्री होती है वो 4 ईयर होती है पर जो बीसीए की डिग्री होती है वो 3 ईयर होती है। यहां पे बीसीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जहां पर आप सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स इसके बारे में पढ़ते हैं, क्लियर है। यहाँ पे सब कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे ना, बीटेक में तो पूरा ही होता है ना। प्लस बीटेक में एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे आप दूसरे सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि बीटेक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूज होता है प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे ज्यादा होती है ना। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो एज कम्पेयर टू बीसीए। ऑब्वियसली 4 साल की डिग्री है, यहाँ पे 3 साल की डिग्री, तो डिफरेंस तो है ही है। इसमें अगर आप यहाँ पे 12th में पीसीएम के साथ 60% है तो आप आईटी जेईई बिटसेट और अलग अलग एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट 12th के परसेंटेज के बारे में। तो 12th के परसेंटेज का ज्यादा बड़ा कोई मैटर नहीं है, है ना। नॉर्मली 60% से ऊपर है तो लाइक बच्चे यहाँ पे बीटेक के बारे में सोचते हैं, है ना। और ऐसे तो आप बीसीए के बारे में भी सोच सकते हो, परसेंटेज इसका लगे कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। पर हाँ, अगर आप आईटी जेईई के थ्रू या बिटसेट दे रहे हो या अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रहे हो तो यार उसका बेनिफिट अपने आप में कहीं ना कहीं होता है। बात करी जाए बीसीए की तो यार बीसीए में यहाँ पे नॉर्मली 12th में आपका 45-50% है तो आप यहाँ पे बीसीए कर सकते हैं, है ना। वैसे मैंने बोला परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं कि सर मेरे 60% और मैं बीसीए करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकता क्या, भैया कर सकते हो, ऐसा मना ही नहीं है ना, ऐसा नहीं कि गुरुजी आपने बोला था। इसमें यहाँ पे अगर आप बीसीए करना चाह रहे तो सीयूटी जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी आईपीयू, सीयूटी एग्जाम, अलग अलग हमारे पास यहाँ पे एग्जाम होते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे बीसीए कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जहां पर सीधे एडमिशन होते हैं आफ्टर 12th, तो यार वहां से आप देख सकते हैं। प्लस कहीं कहीं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम भी रखती है तो वो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करके आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ये जो कोर्स होता है ये 3 ईयर डिग्री कोर्स होता है। अब दोनों के एक्सपेंडिचर की बात करेंगे कितना खर्चा होगा, तो यार बीटेक में लगभग 5-6 लाख के लगभग खर्चा होता है। अगर बात करें बीसीए के अंदर तो सुन यहाँ पे लगभग 1.5-2 लाख का खर्चा होता है 3 साल के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा सस्ता डिग्री, मतलब आपको ज़्यादा अगर खर्चा नहीं करना है तो उसके अंदर ये डिग्री आप कर सकते हैं। पर हाँ, लाइक खर्चे से ज़्यादा अच्छा ये है कि आपको सीखने को कहाँ मिल रहा है और आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। अब बात करते हैं सुन जॉब के बारे में। तो यार जॉब कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो स्पेसिफाई करती है कि यार उनको बीटेक वाले बच्चे चाहिए या बीसीए वाले बच्चे चाहिए। वैसे ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिग्री कोई मैटर नहीं करती है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे जो बीसीए करने के बाद लाइफ में बहुत अच्छा कर गए क्योंकि उनके जो कंसेप्ट थे बहुत अच्छे क्लियर थे, आगे उन्होंने काफ़ी अच्छा कर लिया। और नहीं करने वाले तो बीटेक वाले भी नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो ऐसा कोई ज़्यादा कंपेरिजन नहीं है जॉब के अंदर। पर हाँ,
कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज होती है जो कि इंटर्न हायर करती है या लाइक जॉब एप्लीकेशन निकालती है, तो वहाँ पे स्पेसिफाई होता है कि उनको बीटेक चाहिए। कुछ कुछ ऐसी भी होती है कि बीटेक ऑब्लिक बीसीए ऑब्लिक समथिंग लाइक दैट, है ना, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि सर मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूंगा और बीसीए करूंगा तो किस में ज़्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली बीटेक में ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि वहाँ पे जॉब स्पेसिफिक डोमेन में अगर इलेक्ट्रिकल वाले की रिक्वायरमेंट है तो भाई बीसीए वाले को थोड़ी लेंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? तो सुन, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो टोटल कहने के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, पर नॉर्मली अगर हम 100% वैकेंसीज की बात करें तो 80-85% में बीटेक मांगा जाता है अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब वैकेंसी होती है ना, बीसीए वालों की डिमांड थोड़ी सी कम रहती है, राइट। और यहाँ पे के बाद ध्यान देने की जरूरत है कि ऑलमोस्ट ये जो डिग्री है बीसीए वाली डिग्री के लिए, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ हैं और अगर बीटेक और बीसीए में आपके पास ऑप्शन मिल रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार बीटेक आपको करना चाहिए एज कम्पेयर टू बीसीए। एक थोड़ा नुकसान ये भी होता है कि अगर बीसीए करने के बाद आप एमसीए करते हैं, है ना, दैट इज मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बीटेक करने के बाद अगर आप एमटेक करते हैं तो कॉलेज में आप टीचिंग के लिए एलिजिबल होंगे बीटेक के बाद, पर एमसीए करने के बाद कॉलेज में टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एआईसीटी नॉर्म एमसीए करने वाला बंदा एलिजिबल नहीं होता है टीचिंग के लिए, है ना। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक होता है इसका, है ना, और भी लाइक रहता है। सैलरी की बात करी जाए, पैकेजेस की बात करी जाए, तो नॉर्मली 2-4 लाख का एवरेज पैकेज होता है, हाईएस्ट 10-15 लाख का पैकेज मिलता है। अगर यहाँ की बात करी जाए तो 4-7 लाख यहाँ पे एवरेज पैकेज होता है बीटेक वालों का, और हायर पैकेज तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, है ना। बट हाँ, नॉर्मली मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि दो डिग्री के अंदर अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो यार यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी स्किल बहुत बड़ा मैटर करती है। ऐसा नहीं कि भैया जो बंदा बीए कर रहा हो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मेरे ऐसे कोई शब्द नहीं है। पर हाँ, एक नॉर्मल तरीके से हम कंपैरिजन करें तो यार बीटेक में एज कम्पेयर टू ज्यादा आपके पास कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है एज कम्पेयर टू बीसीए, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। बात करेंगे हायर स्टडीज के बारे में, तो यार यहाँ पे एमटेक कर सकते हैं थ्रू गेट एग्जाम, एमबीए आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हायर स्टडीज की बात करी जाए तो एमसीए कर सकते हैं, एमएससी इन आईटी कर सकते हैं, एमसीएम कर सकते हैं, एमबीए अभी किया जा सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक और बात करी जाए टीचिंग जॉब के लिए, तो मैंने आपको बोला है कि बीटेक वाला बंदा जो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सकता है वो एलिजिबल माना जाता है, बट यार अगर आप एमसीए करते हैं बीसीए के बाद तो देन आप एआईसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं माने जाते हैं, राइट। तो यार ये थोड़ा सा रहता है। तो यार मैं लास्ट में आपको यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको बीटेक करना चाहिए या बीसीए करना चाहिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो यार यहाँ पे बीटेक और बीसीए दोनों ही कंप्यूटर साइंस में होते हैं, बट ये कि आपके पास ज़्यादा करियर ऑप्शन चाहिए तो बीटेक इज द बेटर ऑप्शन देन बीसीए। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं कॉलेजेस से बीसीए कर रहे होंगे और मुझे कोस रहे होंगे, जी पी सर आपने तो हमारी इज्जत ही खराब कर दी, गजब बेइज्जती है कि हम तो बीसीए कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि बीटेक वाले ज़्यादा अच्छे हैं। भैया ऐसा बिल्कुल भी मेरा कहने का मतलब नहीं है, आप उस डोमेन में भी अच्छा कर सकते हैं, बस थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको कहने के अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जब भी किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, एक बंदा बीटेक वाला है एक बंदा बीसीए वाला, तो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कहीं ना कहीं आप लोगों से वही होती है, जो बीटेक वाले स्टूडेंट में नॉलेज है वही आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप में भी उतना नॉलेज है। अगर आपके कॉलेज में उस लेवल की पढ़ाई हो रही है, उतना आपको सिखाया जा रहा है, तो यार बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप भी अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म, राइट। पर नॉर्मली कॉलेज की हालत ये होती है, आप खुद भी जानते हैं कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको खुद को ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कॉलेज वाले सिर्फ यहाँ पे आपको जो किताबी ज्ञान होता है वो देते हैं, पर नॉर्मली जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो स्टूडेंट्स को खुद को डेवलप करनी होती है। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, हाँ गुरुजी बात तो सही कह रहे हो, हमारे कॉलेज में सिर्फ कॉलेज में एग्जाम लिखने वाला काम कराया जाता है, एग्जामिनेशन टाइम पे होना है, इंटरनल टाइम पे होना है, प्रैक्टिकल टाइम पे होना है, पर जो नई चीजें नई स्किल के साथ बात करी जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जाए या लाइक चैट जीपीटी की बात करी जाए, बहुत सारी चीजें नई नई लाइक आ रही है मार्केट के अंदर, तो उसके हिसाब से क्या कॉलेज इतना अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। इसका कतई मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग में भी ऐसी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां सिर्फ खाली आपसे पैसे लिए जाते हैं, खाली आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म के भराने के पैसे लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के पैसे लिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स के नाम से पैसे लिए जाते हैं, पर नया कुछ नहीं कराया जाता है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज की भी हालत है, ये बीसीए कॉलेज की भी हालत है। तो यार खुद ही मेहनत करोगे, खुद ही पैन लोगे तो यार आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो, बाकी तो अगर कॉलेज के भरोसे बैठ गए कि यार ये हमारी ज़िंदगी सुधार देंगे तो भैया गलत फहमी में हो, चाहे बीसीए करना चाहते हो चाहे बीटेक करना चाहते हो। क्लियर है? पर हाँ, अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं कि यार इन दोनों में से हमें क्या करना चाहिए, तो बेटर तो मैं ही कहूँगा कि आपको बीटेक ऑप्शन चूज करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी है और आप बीसीए करना चाह रहे हैं तो भैया थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो यार आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और एजुकेशन के अंदर, खास करके हायर एजुकेशन के अंदर कॉलेज की थोड़ी सी हालतें
इतनी अच्छी नहीं है, है ना। बच्चों को फालतू चीज़ों के लिए परेशान किया जाता है, असाइनमेंट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, ये करो वो करो, काम की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। देखो कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग को और जितना भी टेक्निकल नॉलेज होता है इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और अगर इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चा भी बड़ा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि बच्चा सीखना चाहता है। एक छोटे बच्चे को आप मोबाइल दे दो, कंप्यूटर दे दो, पता नहीं कुछ ना कुछ कर दे देगा वो, राइट। वो इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में, पर बशर्ते कि आप कितना उसको इंटरेस्टिंग वे में समझा रहे हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर आने वाले समय में हायर एजुकेशन में होती है तो यार बच्चों के लिए बहुत अच्छे अवसर पैदा होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। किसी भी डिग्री का कोई ज़्यादा कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, दोनों ही अपने आप में बेस्ट है, बट ये कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किस में करना है ये मैंने बताने की कोशिश करी है। थैंक यू, बाय बाय।